आइए महाराज, कहो हमारे पुत्र वधु ने क्या कहा है? क्या उसने अपना पति दान में दिया या उसने अपने पति को दान में देने से इनकार कर दिया? नहीं विद्याधरनी, मेरी बेटी लाजवंती ने मेरी इज्जत को बचाया है, मेरी सर की पगड़ी को ताज को रखा है। सजो करके बेटी ने कह दिया, जाइए पिताश्री, मैं अपने पति को दान में देती हूँ और जाइए अपने वचन को पूरा करिए। विद्याधरनी, अब तू देर मत कर, जल्दी से जल्दी इस आरे को उठाइए और मेरे हृदय सम्राट, दिल के चिराग, इकलौते बेटे धीरधज को चीरना होगा। हे महाराज, पुत्र वधु ने तो अपने पति को दान में दे दिया, उसने तो हाँ कर दिया, लेकिन मैं कैसे हाँ करूं? मैं एक माँ हूं, मैंने अपने पुत्र को 9 महीने तक अपने गर्भ में रख के खून से सींचा है, इतने कष्टों का सामना कर कर उसे जन्म दिया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है पियाजी, आज तक मैंने उसको एक उंगली तलक नहीं लगाई, फिर आप ही बताइए अपने इकलौते पुत्र को मैं आरे से कैसे चीरू पियाजी, कैसे चीरू? जानता हूं महारानी, कोई भी माँ अपने बेटे को नहीं चीर सकती, लेकिन हे प्रिया, हे विद्याधरनी, ममता के मोह को मारना होगा और इस कलेजे पर पत्थर रखना होगा। धैर्य रखो प्रिया, ये काम तुझे अवश्य करना होगा, उठाइए आरा और चलाइए इशारे को। नहीं नहीं पिया जी, नहीं। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। हेरी पीछो पी चलाना यारा। नहीं पिया जी, नहीं। रानी सही पकड़ के पकड़ के कैसे खींचूं रे पिया जी, मेरा कर्जा धड़ी के, कैसे खींचूं रे पिया जी, मेरा कर्जा धड़ी के। भराए संतों की मैं बात समझ ना पाया, लौटा देते संतों को तुम देकर के धन माया, लौटा देते संतों को तुम देकर के धन माया। रंजू बोले भरा शेर जिमा, बोले भरा शेर जिमा दे, ना कई रोज ते खाया, सब तरिया की बड़ी रसोई फिर क्यों ना शेर जिमाया, सब तरिया की बड़ी रसोई फिर क्यों ना शेर जिमाया। मेरे धीर धवज का मांस मंगाया, धबज का मांस मंगाया, पीछो पीछे जकड़ के कैसे खींचूं रे पियाजी, मेरा कर्जा धड़ के,
आदरणीय श्री बालकनाथ जी जो 500 रुपए देकर के इस मार्मिक धार्मिक रागनी पर सम्मानित करते हैं, मैं आदरणीय परम श्रद्धेय बालकनाथ जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सज्जनों, हे मेरे पिता तुल बुजुर्गो, अगर रागनी के बोल सही लग रहे हो और समझ में आ रहा हो तो एक बार जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद और हो जाए। और मैं सभी का सम्मान करता हूँ, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आइए अगली बात में क्या बता दिया और क्या लिख दिया कवि ने। री बच्चर का कर लिए हिया, तू तो बच्चर का कर लिए हिया, मत करिए न मन भारा। आज तलक न सुनी खींचती माँ बेटे प्यारा, आज तलक न सुनी खींचती माँ बेटे प्यारा। ये तेरे मन की हालत तेरा नी, तेरे मन की हालत तेरा नी, समझूं सू दुख सारा। इन हाथों से कैसे चीरूं बेटा प्राण प्यारा, इन हाथों से कैसे चीरूं बेटा प्राण प्यारा। यारी पहरे खूने की बहे खून की धारा सिर में, जब चाले आरा गड़ के कैसे खींचू आरा पिया जी मेरा कोड़गा धड़के, कैसे खींचू आरा पिया जी मेरा कोड़गा धड़के। किसी ने कहा है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिया जी, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। आज आपको अच्छी तरह पता है कि हमारा एक लौंदा पुत्र है और अगर उसी पुत्र को आप बारे से चीर कर उस शेर की भेंट चढ़ा दोगे तो फिर इस राज को चलाने वाला कोई वारिस नहीं बचेगा पिया जी, कोई इस वंश को चलाने के लिए नहीं बचेगा। फिर आप इतनी बड़ी भूल क्यों कर रहे हो पिया जी, क्यों अपने इकलौते पुत्र को मारना चाहते हो, क्यों सिंह की भेंट चढ़ाना चाहते हो पिया जी? हे प्रिय, ऐसा मत करो पिया जी। इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा माता पिता नहीं है जो दीछे जी अपनी संतान को खत्म कर सके। हे प्रिय, मेरे सामने उन दो साधुओं ने शर्त लगाई है और वचन भरवाए हैं, वो वचन मैं पूरे कर करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कहिए पिया जी, सुन लीजिए मेरी बात। यारी वचन हार होने ते रानी, वचन हार होने ते रानी, होए धर्म की हानि तेरे धर्म की खातिर सुत की पड़गी जान का पानी, तेरे धर्म की खातिर सुत की
जाते संत द्वार से होती घनी परेशानी। एक बेल भरे फल लागण की करती खत्म कहानी। एक बेल भरे फल लागण की करती खत्म कहानी। येरी काटे जागी जिंदे गानी मारी। येरी कट जाग जिंदे गेर पड़ के कैसे खींचुआ रबिया जी मेरा कर्जा धड़ी के। कैसे खींचुआ रबिया जी मेरा कर्जा धड़ी के। लहू से भर के